आप लोगों को याद होगा, हमने आपको जागृति फिल्म के तहत दिखाई थी पहले, पिछली बार, याद है? आवाज नहीं आ रही है। अब आपके आपके सामने बूट पॉलिश जो दिखाई गई है आपको, उसके लिए जबरी मलजी पार्क मौजूद है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, ये बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक है, और ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे साथ है आज। मैं जबरीमल जी का, स्कूल के सभी सहयोगियों का, और आप सब बच्चों का और साथियों का, अजय फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये फिल्म बहुत अच्छी तरह देखी होगी। ये फिल्म नहीं, बल्कि ये आपको एक बेहतर मनुष्य बनाने का एक जरिया है। एक जमाने में राज कपूर हमारे फिल्मी आइकॉन थे, उनकी ये फिल्म है। ये तो आपने बहुत ध्यान से देखी होगी, और आपकी बेहतरी के लिए, आपके विवेक को जागृत करने के लिए, आपकी सोच को विकसित करने के लिए हम इस तरह के आयोजन आपके स्कूल में करते रहते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जबरीमल जी ने आपको एड्रेस किया था, इसके पहले गौहर रजा साहब ने एड्रेस किया था, इसके पहले वीके त्रिपाठी जी ने किया था। ये आपकी पढ़ाई का हिस्सा है, और हम ये चाहते हैं कि आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, जिससे न केवल आप कैरियर के लिए, बल्कि बेहतर मनुष्य बनने में ये सब सहयोग करें। मैं जबरीमल जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं यदा कदा आपको तकलीफ देता रहता हूँ। पिछली बार आप हमारे घर पर पधारे थे, और गुठली फिल्म पर एक बेहतर आयोजन किया गया था, मैं उसके लिए भी आपका आभारी हूँ। और मैं न केवल अपने इस अजय फाउंडेशन की तरफ से, बल्कि आप सबकी तरफ से, जोशी जी की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, और आपके सामने जो पारक साहब मौजूद है, आपको एड्रेस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार राम अवतार जी, नमस्कार साथियों और सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कुछ महीने पहले आप लोगों से मैंने जागृति फिल्म पर बातचीत की थी, वो फिल्म देखी थी। तो आज हम चर्चा करेंगे बूट पॉलिश फिल्म की, जो आप लोग देख चुके हैं। ये सब पुरानी फिल्में हैं, 1954 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, यानी कि आज से 70 साल पहले। 70 साल का अर्थ बहुत होता है, मेरी उम्र 72 साल है, और यानी कि जब मैं 2 साल का था तब ये फिल्म रिलीज हुई थी। आज मेरी उम्र 72 साल है, तो आप लोग तो अंदाजा लगा सकते हो। और आप देखेंगे कि उस समय चूंकि फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी, इसलिए ये फिल्म भी ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन ये फिल्म दिखाना इसलिए मुझे जरूरी लगा, और क्योंकि ये हम समझ सकें कि जब देश आजाद हुआ तब
हमारे यहाँ फिल्म बनाने वाले किस तरह का सोच रखते थे और किस तरह का हिंदुस्तान वे बनाना चाहते थे, उनके सामने क्या समस्या थी। जैसे कि जागृति फिल्म जो आजादी के 9 साल बाद रिलीज हुई थी, उस फिल्म में ये बताया गया था कि शिक्षा की जरूरत क्यों है और किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, किस तरह की एजुकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए, स्कूल किस तरह के होने चाहिए और एक तरह से एक आदर्श शिक्षा प्रणाली और एक आदर्श स्कूल की तस्वीर उसमें पेश की गई थी। तो इसी तरह से ये फिल्म जो है ये 1954 की यानी कि आजादी के सिर्फ 7 साल बाद ये फिल्म बनी थी। ये उस समय की फिल्म है जब हमारे देश को आजाद हुए केवल 7 साल हुए थे और संविधान लागू हुए भी सिर्फ 5 साल हुए थे। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था यानी 6 साल, और पहला चुनाव हुआ था 1952 में, यानी कि इस फिल्म के रिलीज होने के केवल 2 साल पहले पहला चुनाव हुआ था। तो इस दृष्टि से देखें ये बहुत आरंभिक फिल्म है। हमारा जो संविधान है और जो नया देश के विकास की जो नई योजनाएं बनाई बन रही थी उसके उस योजनाओं के पीछे एक खास तरह की समझ काम कर रही थी। समझ ये काम कर रही थी कि देश का समग्र विकास हो, यानी कि देश के हर वर्ग के लोगों का विकास हो। और विकास का मतलब है, विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है कि उनको अच्छा जीवन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, जो स्वास्थ्य संबंधी कहना चाहिए कि अस्पताल वगैरह है वो सब उपलब्ध हों, लोग अपने अपना अपने परिवार के लोगों का इलाज करा सकें, रहने को घर हो और रोजगार हो, ये बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों का जीवन। बच्चे जो हैं जिनका जिनके जीवन की शुरुआत खेलकूद से होनी चाहिए, फिर स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए और इस तरह से वो उनका जीवन आगे चलना चाहिए। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो देश में बहुत गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी और गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चों को, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या थी ऐसे बच्चों की जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, जो झुग्गी बस्तियों में रहते थे और जिनको भीख मांग कर गुजारा करना पड़ता था। ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति थी जिसे बदलने की जरूरत थी। बहुत सारे बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे और उनको भी शिक्षा नहीं मिल पाती थी, या बहुत छोटी उम्र में उनको कहना चाहिए कि काम करना पड़ता था, जबकि 8-10 साल 12 साल के छोटे बच्चों उनको तो स्कूल जाना चाहिए और उनको वहां पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे कि आपने फिल्म में देखा होगा कि 2 बच्चे हैं इसमें जो भाई बहन है, एक है भोला और दूसरी उसकी छोटी बहन बेलू। उसके उन दोनों बच्चों के माता पिता मर चुके हैं, माँ मर चुकी है हिजे से और पिता जो है वो उसे काले पानी की सजा हो गई है। सजा क्यों हुई ये फिल्म में नहीं बताया गया, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि वो अनाथ है और एक व्यक्ति जो है उन दोनों बच्चों को जो बहुत छोटे हैं उनको उनकी चाची के पास छोड़ देते हैं। चाची खुद जो है एक झुग्गी बस्ती में रहती है और जाहिर है कि उसके पास भी कोई आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए वो बच्चों से भीख मंगवाती है। और हमारे सामने जब कहानी आती है तो एक तरह से उस समय आती है जब वो बच्चे भीख मांगते हैं, रेलगाड़ी में मांगते हैं, सड़कों पर मांगते हैं, और यहीं से एक तरह से फिल्म की शुरुआत होती है। बच्चों के जिस झुग्गी बस्ती में बच्चे रहते हैं वहां पर एक व्यक्ति है जो अपंग है और जिसको बच्चे जॉन चाचा कहते हैं। वो जॉन चाचा जो है वो बच्चों को कहता है कि भीख मांगना अच्छा नहीं है, भीख मत मांगो, काम करो लेकिन भीख मत मांगो। आप देखेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। भीख मांगना इस फिल्म का मुख्य संदेश यही है कि काम करना यानी श्रम जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है न कि भीख मांगना। भीख मांगना कोई
सही तरीका नहीं है जीवन जीने का। और उन बच्चों के दिमाग में भी ये आ जाता है कि जब वो भीख मांगते हैं तो उन्हें अपमानित होना पड़ता है, लोग दुत्कारते हैं उन्हें, और इसलिए वो ये सोचते हैं कि अगर हम बूट पॉलिश भी करें और तो हम मेहनत कर रहे होंगे, और मेहनत कर रहे होंगे तो हमारी जो हम जो कमाएंगे उसमें एक तरह का सम्मान की भावना होगी, एक कहना चाहिए कि हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बूट पॉलिश करना हो सकता है कि बहुतों की नजर में छोटा काम हो, लेकिन कम से कम ये तो है कि किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो ये द्वंद है, इस फिल्म का मुख्य द्वंद है यही है कि बच्चे भीख मांग रहे हैं, उनकी चाची उनसे भीख मंगवाती है, लेकिन वो बच्चे किसी भी तरीके से भीख मांगना बंद करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, और वो काम है उनके सामने जो विकल्प है उन विकल्प में केवल बूट पॉलिश करना ही है, क्योंकि बूट पॉलिश के लिए कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, दो ब्रश खरीदने होते हैं, पॉलिश खरीदनी होती है, और उसके बाद में सड़कों पर रेलगाड़ी में जहां भी लोग दिखाई देते हैं तो वहां वे लोगों से कह सकते हैं कि बूट पॉलिश करवा लीजिए, और बूट पॉलिश करवाने पर एक आना दुआने का पैसा उनको मिलता है। और आप देखेंगे कि फिल्म देखते हुए आपने महसूस किया होगा कि ये जब बूट पॉलिश करना शुरू करते हैं दोनों बच्चे, तब उनको लोग जो है लोग नहीं दिखाई देते, उनके जूते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जूते ही जो है उनके आय का साधन है। मुझे हिंदी के कवि धूमिल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है मोचीराम, वो मोचीराम याद आ जाती है, उसमें भी वो जो मोची है यानी कि जो बूट पॉलिश करता है, जूते ठीक करता है, वो भी यही कहता है कि मेरे लिए हर आदमी एक जूता है। तो इन बच्चों के लिए भी एक तरह से यही है। तो ये जो मेहनत और भीख, इन दोनों दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प ज्यादा सही है, इस फिल्म का संदेश यह है कि मेहनत करनी चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता। आप ध्यान दें कि यह हमारी आजादी की लड़ाई का भी संदेश था, महात्मा गांधी ने भी ठीक यही संदेश दिया था कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता। इसीलिए उनके आश्रम में जहां पर वे रहते थे, जहां उनके साथ में और भी कई लोग रहते थे, वे सब काम अपने आप करते थे, यानी कि पाखाना तक वो स्वयं साफ करते थे। तो ये जो के हाथ से काम करना, ये एक संदेश है जो इस फिल्म का है। और इसलिए आप देखेंगे कि आपको याद होगा कि फिल्म के अंदर जब वे बच्चे पहली बार उनकी खरीद के लाते हैं बूट पॉलिश, यानी कि पॉलिश भी खरीदते हैं और ब्रश भी खरीदते हैं, तो रेलवे पुल पर खड़े होके वे आज हमारा देश आजाद हो गया है, यानी कि उन्हें आजादी का एहसास होता है और महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते हैं। तो एक तरह से फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई है, संवादों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, कथा के माध्यम से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो बड़ा संदेश है इस फिल्म में, वो बड़ा संदेश यह है कि ऐसे अनाथ बच्चों का क्या किया जाए जिनके माता पिता नहीं है। इस फिल्म में उन बच्चों की चाची जो है उनसे भीख मंगवाती है, और इसलिए भीख मंगवाती है कि उन बच्चों के लिए कोई और विकल्प नहीं है सिवाय चाची के पास रहने, और चाची जो है उनसे भीख मंगवाती है। तो ऐसे बच्चों का जिनके माता पिता ना हो, जिनका कोई सहारा ना हो, उनका क्या होना चाहिए। फिल्म हमें यह संदेश भी देती है कि ऐसे बच्चों को उन माता पिताओं के द्वारा जो अपेक्षाकृत संपन्न है, यानी कि जिनके पास, जो इतने गरीब नहीं है कि जीवन यापन ठीक से ना कर सके, उन माता पिताओं को चाहिए कि ऐसे अनाथ बच्चों को गोद ले ले। जैसे कि अंत में हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन जो है उनको एक
उच्च मध्य वर्गीय या मध्य वर्गीय परिवार जो है जिनके खुद के बच्चे नहीं होते वे उन्हें गोद ले लेते हैं और गोद लेने के बाद में उनके जीवन में बदलाव आता है, वे स्कूल जाने लगते हैं और जिस अभिशप्त जिंदगी जिस भयावह जिंदगी से उन्हें गुजरना पड़ता है उस से वो मुक्ति मिलती है। तो एक तरह से यह संदेश भी है कि ऐसे सभी गरीब बच्चों के लिए सरकारों को चाहिए और या संस्थाओं को चाहिए या लोगों को चाहिए उनको एक नया जीवन प्रदान करें। उनको अगर बच्चे नहीं हैं तो अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहिए ताकि उनको नया जीवन नई तरीके का जीवन दिया जा सके, उनको उस तरह की ठोकरें न खानी पड़े जैसे कि इस फिल्म के दोनों पात्र भोला और बेलू को खानी पड़ती है। तो इस तरह से क्योंकि ये जो गरीबी है ये जो बेसहारा होना है इसके कारण भीख मांगना अपराध ही नहीं होता है और कई तरह के अपराध होते हैं। जैसे एक और बच्चा है इसमें अपेक्षाकृत बड़ा है, मतलब बड़ा है उम्र में थोड़ा चुटकी, वो बूट पॉलिश भी करता है लेकिन वो जेबें भी काटता है और इसलिए अंत में पकड़ा भी जाता है पुलिस द्वारा। इसी तरह से खुद जॉन चाचाटोस बच्चों को लगातार इस बात की शिक्षा देते हैं कि भीख नहीं मांगनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत मेहनत जो है जरूरी है, भूखे मर जाना मंजूर है लेकिन भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये जो संदेश देता है वो खुद एक ऐसा जीवन जीता है जिसका अनुकरण करने से वो बच्चों को रोकता है। वो कहता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी इस तरह से काट दी है, वो अवैध शराब बनाता है और उस अवैध शराब के कारण बार बार उसे जेल जाना पड़ता है, लेकिन वो संदेश जो बच्चों को देता है वो एक बेहतर जिंदगी के लिए देता है, मेहनत मजदूरी करने के लिए देता है और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए देता है। तो इसमें इस फिल्म के अंदर ये दो इन दो बच्चों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है जॉन चाचा, और उस जॉन चाचा के माध्यम से बहुत कुछ हमारे सामने आता है। इन बच्चों में बदलाव की जो एक बेहतर जीवन जीने की जो इच्छा जागृत होती है उस इच्छा के पीछे कहीं ना कहीं जॉन चाचा का प्रभाव भी होता है जो लगातार बच्चों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए संदेश देते हैं। भीख मांगना जो है उसका एक और दृश्य मैं आपको बताता हूँ। इस फिल्म में एक सेठानी जो है वो उन झुग्गी बस्ती में आकर अपने पोते या किसी के जन्म के उपलक्ष में पैसे बांटती है, एक एक पैसा दो दो पैसा को भीख के रूप में देती है। तो जॉन चाचा उसका विरोध कर, जॉन चाचा कहते हैं कि आप ये मत दीजिए, ये देकर आप जो है बच्चों की जिंदगी को बच्चों को गलत संदेश दे रहे। लेकिन खुद जो लोग पैसा ले रहे होते हैं वो उसका विरोध करते हैं कि हमें पैसे मिल रहे हैं उसका मैं क्यों विरोध कर रही हूँ। हमारे हिंदुस्तान में दान देना और दान लेना बहुत पुण्य का काम समझा जाता है, लेकिन अगर सच कहा जाए तो ये दान लेना और दान देना जो है पुण्य नहीं है क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है। अगर इसकी आदत पड़ जाती है, हाथ फैलाने की आदत पड़ जाती है लोगों से, चाहे वो लोग कोई भी हों, बिना मेहनत के जो भी पैसा हमारे पास आता है उसमें कोई मतलब उसमें कोई गर्व की बात नहीं होती। पैसा वहीं से आना चाहिए हमारी मेहनत का हो। अभी अमिताभ बच्चन ने भी कौन बनेगा करोड़पति में अपने पिता का संस्मरण सुनाया था कि जब वो कलकत्ता में नौकरी करते थे अमिताभ बच्चन और रेस कोर्स देखने जाते थे और उन्होंने अपने पिता को यह बात बताई तो पिता ने एक ही बात कही कि बेटा पैसा जो भी कमाओ उसकी हमारा पसीना बहना चाहिए, यानी कि हमारी मेहनत उसमें होनी चाहिए। बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा जो है उसमें कोई गर्व नहीं है। तो ये इस फिल्म का भी संदेश है कि हम मेहनत करें, मजदूरी करें, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, लेकिन भीख मांगना, चोरी करना, अपराध करना ये ठीक नहीं है और अनाथ बच्चों को जरूर कुछ न कुछ ऐसा किया जाना चाहिए
जिससे कि उनको न केवल सहारा मिले बल्कि उनको एक सम्मानजनक जिंदगी मिले, उनको शिक्षा मिले, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा ही सर्वोत्तम है, शिक्षा के द्वारा ही वो अपना जीवन सुधार सकता है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको फिल्म का मुख्य संदेश और जो सार है वो बताया है। अब आप लोग के मन में जो भी सवाल हो, फिल्म देखी है आपने विस्तार से, पूरी देखी है, तो जो भी सवाल हो मेरे सामने रखिए। जैसे जागृति के समय किया था कि एक एक बच्चा अपने सवाल पूछिए, मैं यथासंभव उनकी जिज्ञासा पूरी करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। हैंड रेज करें जो भी शुरुआत करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? कोई भी रेज योर हैंड एंड कम फॉरवर्ड। जो बच्चे थे वो अपने चाचा को करेला क्यों कहते थे? एक तो अपना नाम जरूर बताएं, नाम और कक्षा। नाम बताओ क्लास। मेरा नाम अनमोल और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अब बोलो। जो बच्चे थे वो अपने चाचा को करेला क्यों कहते थे? बच्चे अपने चाचा को करेला क्यों कहते थे? चाचा को करेला नहीं कहते थे, वो जो जॉन चाचा थे वो गंजे थे, यानी कि उनके सिर पर बाल नहीं थे, और वो हमेशा इस में लगे रहते थे कि किसी तरह से उनके सिर पर बाल आ जाए, और इसलिए उनको बच्चे उनसे मजाक करते थे और कहते थे कि तुम करेला घिसा करो सिर पर, जिससे तुम्हारे बाल आएंगे। वो अरसी का तेल की मालिश करवाते थे। एक दृश्य में हम पहला ही जो दृश्य बच्चे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो किसी से अपने सिर की मालिश करवा रहे होते हैं और पूछते रहते हैं बराबर कुछ हुआ, कुछ बाल हो गए? तो ये थोड़ा सा एक तरह का कॉमेडी का दृश्य है, वो उसी अर्थ में है, उसका और कोई विशेष अर्थ नहीं। मेरा नाम मुस्कान वर्मा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। अच्छा, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये फिल्म बता दें कि ये पूछना चाह रहे हैं कि ये फिल्म रिलीज करने का आपका उद्देश्य क्या था? नहीं, हमने रिलीज नहीं किया, हमने तो सिर्फ आप लोगों को इसे दिखाया है, ठीक है। और फिल्म तो रिलीज हो गई थी आज से 70 साल पहले, 1954 में, अभी चल रहा है 2024, ठीक है ना? तो 70 साल पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी और दिखाई गई थी, और काफी कामयाब फिल्म है। आपने राज कपूर का नाम सुना होगा, राज कपूर जो है इस फिल्म के निर्माता थे, यानी कि फिल्म बनाई थी, लेकिन इसका निर्देशन जो है उनके एक और साथी थे प्रकाश अरोड़ा, उन्होंने उसका निर्देशन किया था, लेकिन वो राज कपूर के प्रोडक्शन की फिल्म थी। फिल्म क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि इसमें जो संदेश दिया गया है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हमारा देश उस समय आजाद हुए बहुत अरसा नहीं हुए थे, और फिल्मकारों के मन में था कि, और केवल ये ही फिल्में नहीं है, जागृति या बूट पॉलिस नहीं है, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत लोगों ने बनाई, बिमल रॉय ने, महबूब ने, गुरुदत्त ने, बहुत सारे फिल्मकार थे, उन्होंने ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई जिसके द्वारा वो जनता को भी और सरकार को भी कुछ संदेश देना चाहते थे। संदेश ये देना चाहते थे कि हमारा देश जिन समस्याओं से गुजर रहा है, जूझ रहा है, उनका हल कैसे निकले। गरीबी उसमें से एक थी, अशिक्षा उसमें से एक थी, बच्चों का जीवन जो है वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके और उनको शिक्षा मिल सके, उनको अच्छा घर परिवार मिल सके, उनका एक जीवन सफल हो, इसके लिए भी फिल्मकारों ने कई फिल्में बनाई। बूट पॉलिश उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। आप देखेंगे कि इसके अंदर बच्चों की कहानी है और बच्चों के माध्यम से कही गई है,
और ये इसलिए ये फिल्म रिलीज हुई। ये बच्चे वे नहीं है जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप घर परिवार है, ये वे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, जिन्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जो कूड़े में से कुछ चुन रहे होते हैं, और इस तरह से एक कहना चाहिए कि उन बच्चों का भी जो गरीबों के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको भी तो स्कूल जाने का और एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। तो ये जो सवाल है, इस सवाल को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई है, और इसीलिए इस फिल्म को उस समय प्रदर्शित किया गया। काफी कामयाब फिल्म हुई, काफी चर्चित हुई, और आज भी राज कपूर की बेहतरीन फिल्मों में से माना जाता है। दूसरी बात यह कि आपको क्यों दिखाई। आपको दिखाने के पीछे हमारा मकसद यह है कि अब बहुत हालात बदले हैं। 70 साल में ऐसा नहीं है कि हालात नहीं बदले हैं, बहुत बदले हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कह सकते कि गरीबी खत्म हो गई है। गरीबी अब भी है, अब भी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते और उनको शिक्षा नहीं मिल पाती। तो हमारे देश के हालात पर जाग होना चाहिए, हमें अपने ही जैसे और बच्चे हैं जो हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए, और दूसरा हमें ये भी समझना चाहिए कि आजादी के 75 सालों में हमारे देश किन किन कठिनाइयों के बीच में से गुजर कर यहाँ पहुंचा है, और उन्होंने ये जो बदलाव हुआ है बहुत सारा अच्छा बदलाव हुआ है। उस जमाने में जितने स्कूल थे उससे कई गुना ज्यादा स्कूल है, उस जमाने में जितने बच्चे स्कूल जाते थे उससे कई गुना ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। आज कहीं ज्यादा स्कूल है, कहीं ज्यादा कॉलेज है, कहीं ज्यादा यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बदलाव हुए हैं ये 70 सालों में 75 सालों में, ये बदलाव इसलिए हुए कि उस समय बहुत सारे लोगों ने, जिसमें साहित्यकार भी शामिल है, बुद्धिजीवी शामिल है और फिल्मकार भी शामिल है, उन्होंने लगातार ऐसे प्रश्न उठाए जिससे कि वो बदलाव मुमकिन हो सका, वो बदलाव संभव हुआ। तो उसी से परिचय कराने के लिए आप लोगों को ये फिल्म दिखाई गई। अभी हो सकता है कि आप छोटे हों, छोटे हैं इसलिए बहुत सारी बातें नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे और याद करेंगे इस फिल्म को भी और हमारी आपसी बातचीत को भी, तो आप उसके बहुत सारे अर्थ समझ पाएंगे। बैठ जाओ, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हो। तो मैं ना मानवी में क्लास 8 में पढ़ती हूँ, और मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब आपने ये मूवी बनाई तो आपने कुछ सोचा होगा और ऐसी स्थिति को चुना होगा जो कि हमारे आसपास थोड़ी लूज है, और हमारे भारत में ऐसी कई स्थिति, कई कोनों में ऐसी स्थिति देखी गई है, तो आपका क्या संदेश है इस मूवी के पीछे? देखिए, ये फिल्म मैंने नहीं बनाई, ये मैं बता चुका हूँ। ये फिल्म राज कपूर ने बनाई, राज कपूर का नाम तो सुना है ना, तो राज कपूर ने ये बनाई है, और आज नहीं बनाई है, 70 साल पहले बनाई है। 70 साल पहले मैं 2 साल का ही था, ठीक है, और आप में से कोई तो जाहिर है कि नहीं था, ये हो सकता है कि आप में से मतलब आपके अध्यापक भी नहीं पैदा हुए होंगे, तो ये बहुत पुरानी फिल्म है, ठीक है ना, तो बनाया मैंने नहीं है। हम तो आपको दिखा रहे हैं ये फिल्म, हम आप देखेंगे ना कि आप अभी आपके कोर्स में, हिंदी के कोर्स में प्रेमचंद की कहानी होगी, माँ देवी वर्मा का गीत होगा, ठीक है, तो प्रेमचंद तो बहुत पहले हो गए, आज से 100 साल से ज्यादा समय पहले हुए, 80 साल से ज्यादा हो गए उनकी मूर्तियों को, लेकिन हम पढ़ते हैं ना उनकी कहानी, ईदगाह पढ़ते हैं, पूस की रात पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियां उनकी पढ़ते हैं, उनके उपन्यास पढ़ते हैं, माँ देवी वर्मा के गीत पढ़ते हैं, निराला के की कविता पढ़ते हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, दूसरी भाषाओं में पढ़ते हैं, तो वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनमें जो संदेश है, उनमें जो बातें कही गई है, वो जितनी आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले महत्वपूर्ण थी, वो आज भी महत्वपूर्ण है। और ये बात फिल्मों पर भी लागू होती है कि जो फिल्म आज 70 साल पहले बनी है, वो फिल्म अब भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ऐसा संदेश दिया गया है
जो संदेश हमें जीवन में एक नई दिशा देती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म के दो बच्चे जिस तरह का जीवन जीते हैं, उस तरह का जीवन जीने का हम में से कोई किसी ने वैसा जीवन नहीं जिया है, और कोई क्यों ऐसा जीवन जिए। लेकिन जिन बच्चों को ऐसा जीवन जीना पड़ता है, उनके जीवन में भी बदलाव हो, वो भी स्कूल जाएं और एक बेहतर जीवन जी सकें, ये जो फिल्म का संदेश है, ये मेरे ख्याल अब भी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसको दिखाने और इस पर बातचीत करने की हम लोगों ने कोशिश की है। हाँ बोलो। मेरा नाम लविश है और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि आपको बूट पॉलिश फिल्म का आइडिया कैसे आया? एक तो मैं फिर नहीं बनाई है फिल्म, मैंने नहीं बनाई है फिल्म, जो है राज कपूर ने बनाई है। ये क्यों इस तरह का भ्रम हो रहा है कि मैंने बनाई है? मैंने नहीं बनाई है, आपने जैसे देखा है वैसे ही मैंने भी देखा है, बस ठीक है ना। तो आइडिया मुझे नहीं आया, आइडिया राज कपूर को आया। हमें तो आप ये कह सकते हैं कि हमें तो ये आइडिया आया कि इस फिल्म को आपको दिखाया जाए, ठीक है ना। मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ बोल, आप बताइए। हमारे धर्म में दान को एनकरेज किया गया है और दान करने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा बताया जाता है और दान की बहुत महिमा है, और ये भी कहा जाता है कि जो दान करता है उसकी उसकी जो जड़ें है वो हरी होती है, हरी रहती है। मैं दान करने वाले को और दान लेने वाले को दोनों को डिस्करेज किया जाता है, किया गया है। हाँ, जो दान दे रहा है उसको भी जो है वो कहता है कि आप दान क्यों करते हो, आप लोगों को काम दो। तो दान, जबकि हमारे धर्म में दान को बहुत बड़ा और दानी को बहुत बड़ा और ये कहा जाता है कि इसको मोक्ष मिलेगा। तो आपका ये फिल्म वाला फिल्म क्या कहना चाहती है और हम बच्चों से क्या कहना चाहते हैं या बच्चों को हम क्या समझाना चाहते हैं? ऐसा है कि मैंने वो फिल्म का वो दृश्य की चर्चा अपनी शुरुआती उसमें इसीलिए की, क्योंकि होता क्या है, इसे दो संदर्भों में समझ सकते हैं, मेरे ख्याल बच्चे भी इस बात को समझेंगे कि हमारे यहाँ दान को बड़ा पुण्य का काम समझा गया है, दान लेना भी और देना भी, ठीक है। और ये जो पुण्य है इसमें कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि हम जो दान देंगे, जितना दान देंगे उतना हमें अगले जीवन में, यानी कि मृत्यु के बाद जीवन हमें मिलेगा, उस जीवन में हमें उसका फल मिलेगा, यानी कि हमें स्वर्ग मिलेगा या उससे ज्यादा, जितना दान करेंगे उससे ज्यादा हमें संपत्ति मिलेगी, हमने कोई पाप किया है तो उस पाप से हमें मुक्ति मिलेगी। यह एक तरह का धार्मिक विश्वास है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से होगा। दूसरा यह है कि दान को अगर इतना महत्व दिया जाता है धार्मिक दृष्टि से और दान देने को बड़ा पुण्य माना जाता है और ये माना है कि फल मिलता है, तो जाहिर है कि दान तो तभी दिया जा सकेगा कि दान लेने वाला कोई हो, दान लेने वाला होगा तभी तो दान दिया जाएगा। और दान लेने वाला होने के लिए क्या जरूरी है कि जो लोग दान लेते हैं वो ये समझे कि ये एक पुण्य का काम हो रहा है, इसलिए हमें ये लेना चाहिए। और ये पुण्य का काम हो रहा है, इसके क्या देखते हैं हम कि दान जो दिया जाता है वो हमेशा उनको दिया जाता है जो हैसियत में हमारे से नीचे होते हैं,
नीचे का मतलब आर्थिक रूप से नीचे होते हैं, गरीब होते हैं। आप देखेंगे कि सड़कों पर कई लोग जो हैं, जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है कि पैसे बांटे गए हैं, इसी तरह से मतलब किसी भी देश में, इस लोकतांत्रिक युग में किसी भी देश में भीख मांगना जो है, भीख मांग कर जीवन यापन करना सम्मानजनक नहीं समझा जाता, ठीक है। अब उस भीख मांगने को या भीख देने को दान का नाम दे दिया जाए, एक धार्मिक आवरण दे दिया जाए, लेकिन ये किसी भी रूप में सम्मानजनक नहीं है। आप देखेंगे कि कई देशों में तो भीख मांगना अपराध माना जाता है। कई देश जो विकसित देश हैं, उनका मेरा अनुभव भी यही है कि वहाँ आपको सड़कों पर भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देंगे लोग, लेकिन हमारे यहाँ तो रेड लाइट पर देखते हैं हम कि भीख मांगते हैं लोग। तो ये जो धार्मिक है, इस धार्मिक धारणा है, इस धारणा का बहुत बुरा प्रभाव, इसको इस रूप में देख सकते हैं कि अगर भीख से मेरा गुजारा चल रहा है तो मैं काम क्यों करूं, ठीक है। अगर मैं हाथ फैलाकर लोगों से कहूं कि मुझे एक रुपया दीजिए, चार पैसे दीजिए वगैरह, तो मैं काम नहीं करूंगा, काम से बचूंगा, ठीक है। काम करना जो है, मेहनत करना और मेहनत से अपना जीवन यापन करना, ये देश जब आजाद हुआ तब ये एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि समझदारी थी कि ये संदेश दिया गया है कि नहीं, लोगों को अब भीख नहीं मांगनी चाहिए, लोगों को दूसरों के दिए हुए पैसे से, दूसरों के दिए हुए दान से अपना गुजारा नहीं करना चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए और मजदूरी करनी चाहिए। लेकिन मेहनत मजदूरी के लिए काम चाहिए ना, काम कहाँ से आएगा, काम तो सरकार ही पैदा करेगी, काम सरकार ऐसी योजना बनाएगी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। लेकिन होता क्या है कि जब काम नहीं दिया जाता और दान मिल जाता है तो लोग सरकारों से, लोग व्यवस्था से इस बात की मांग नहीं करते हमें काम दो, हमें कहा हमारे लिए काम के लिए कदम उठाओ। आपको मैं दो उदाहरण से बताता हूँ। एक यह है कि जब रोजगार नहीं मिल रहा था तो आज से पहले की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने एक स्कीम चलाई जिसे कहते हैं मनरेगा। उस मनरेगा में यही था, भावना थी कि जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, खासतौर पर गांव में रहने वाले लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनकी मदद की जाए। तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह तय हुआ कि वे लोग मनरेगा के अंतर्गत काम करेंगे, चाहे सड़क बनाने का काम हो, चाहे और किसी तरह का काम हो, लेकिन काम करेंगे और काम के बदले में उन्हें पैसा मिलेगा। ये महत्वपूर्ण है, काम के बदले जब पैसा दिया जाता है तो वो एक सम्मानजनक तरीका है। ये हो सकता है कि लोगों को ये लगे कि पैसा दिया जाना चाहिए, उतना नहीं दिया जा रहा जितनी मजदूरी, लेकिन मजदूरी भी की गई कि मनरेगा में लोगों को इतना पैसा दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सरकारें क्या कर रही है, अब सरकारें कर रही है कि हम आपके खाते में 1500 रुपए डाल देंगे, हम आपके खाते में 3000 रुपए डाल देंगे, ये जो है, या हम हर महीने हर दिन हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज देंगे, ये जो है ये मेहनत के बदले नहीं है, ये उनकी गरीबी को देखकर सरकार के तरफ से एक तरह से कहा तो सहायता जाता है, लेकिन वास्तव में ये एक तरह का दान, ये 5 किलो अनाज देना या 1500 रुपया, इसका परिणाम क्या हुआ है, तो काम की जरूरत है। आज की इसमें बेरोजगारी बहुत अधिक है, लेकिन उस बेरोजगारी का हल निकालने की बजाय क्या किया जा रहा है कि लोगों को 1500 रुपया या 3000 रुपया महीना दिया जा रहा है। अगर व्यक्ति को मजदूरी मिले, अगर व्यक्ति को रोजगार मिले, तो वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये इस फिल्म का संदेश भी यही है कि भीख मांगने के लिए, दान के लिए जो सामने
जो पैसा दिया जाता है वो सम्मानजनक नहीं है। वो और होता क्या है कि वो इस हद तक लोगों की सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला या सम्मान को खत्म करने वाला है कि जिस समय जॉन चाहता है मना करता है कि भीख मत दो, ये दान मत दीजिए, या लोगों को कहता है कि मत लो, तब कुछ युवा उससे लड़ पड़ते हैं और कहते हैं कि हमें जो पैसा मिला तुम उसे रोक क्यों रहे हो। ये जो स्थिति है ये बहुत बुरी है। उन युवाओं को काम करना चाहिए, काम नहीं मिलता है। तो इस फिल्म में ही एक संवाद है कि तड़प तड़प कर मर जाना बेहतर है भीख मांगने से, क्योंकि अगर भीख नहीं मिलेगी तो काम के लिए लड़ेंगे, काम करेंगे, काम के लिए सरकार से कहेंगे कि हमें रोजगार दिया जाए। ये सरकारों का काम है कि हर एक नागरिक को उनके उनको काम दे ताकि वो अपना जीवन चला सके। ये एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक तरीका है लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो दान पुण्य की ये सामंती युग की मान्यताएं हैं। लोकतांत्रिक देश में, आधुनिक देश में ये सब समाप्त होना चाहिए। धर्म का प्रभाव अब भी है, इसलिए दान पुण्य भी अब भी है, और अभी तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा बढ़ भी गया है। पता नहीं आपके सवाल का जवाब मिला है। इसी आवाज नहीं आ रही में वो जो के जो 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 अपंग जो, जो केकड़ा कहते हैं उस बच्चे उसको, तो करेला या केकड़ा जो कहते हैं, वो एक जगह कहता है चलते रहो चलते रहो। तो आप बच्चों के लिए ये जब चलते रहो इसमें क्या मैसेज है? देखिए ये इस फिल्म में दो गीत हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक गीत है सरस्वती कुमार दीपक का जो काफी लंबा है, उसके तीन हिस्से हैं, और एक गीत है जो शैलेंद्र का लिखा हुआ है जो उसके बाद आता है। ये इन दोनों गीतों में इस फिल्म का पूरा संदेश, और सिर्फ इस फिल्म का संदेश ही नहीं है बल्कि उस पीरियड में जो भारत की सोच थी उस सोच का भी है। मैं उन गीतों की पंक्तियां कुछ आप यहाँ पढ़ूंगा तो शायद बच्चे भी समझ पाएंगे। जब बच्चे जॉन चाचा के पास आते हैं और आते एक बात कहते हैं कि वो बेलू नाम की जो लड़की है वो पूछती है कि चाचा मुझे रोज रोज भूख क्यों लगती है। ये बड़ा मासूम सा लगने वाला सवाल है लेकिन ये बहुत ही गहरी पीड़ा पहुंचाने वाला सवाल है कि मुझे रोज भूख क्यों लगती है। तो जॉन चाचा कहते हैं कि भूख हमारे वतन की सबसे बड़ी बीमारी है, भूख हमारे वतन की सबसे बड़ा बीमारी है, और ये बीमारी जो है अगर भूख ना लगे तो फिर जीवन में क्या संकट है, लेकिन भूख लगती है, भूख लगती है तो खाने को चाहिए, खाने को चाहिए तो खाना ऐसे ही नहीं मिल जाता है, खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, तब वो भूख समाप्त होती है। तो भूख केवल भूख नहीं है, भूख मतलब पेट की आग बुझाना नहीं है, भूख का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जहां जीवन की बेसिक जरूरतें बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। और ये जो है इस फिल्म का मुख्य संदेश है कि हम अपना जीवन सम्मानजनक ढंग से जी सकें और हम अपनी जरूरतें समान ढंग से पूरी कर सकें, यह बहुत जरूरी है। और इसको गीतों के माध्यम से भी कहा गया है। उसमें पहला गीत जो सरस्वती कुमार दीपक का है वो लंबा गीत है, हैं? उसके बोल आकर देखें तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि इन बच्चों का जो झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं और बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही एक तरह से अंधेरा भरा जीवन है, उनके जीवन में बदलाव कैसे हो। दूसरा यह है कि देश अभी अभी आजाद हुआ है और बहुत कुछ का अभी होना बाकी है, और वो जो बहुत कुछ होना बाकी है उसका संकल्प है जो बदलाव होना है वो बदलाव कैसे हो। तो एक तरह से हमारे सामने जो चुनौतियां है फिल्म वो भी प्रस्तुत करती है, और जो बदलाव होने हैं
उसके प्रति जो उम्मीदें हैं वो भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ये गीत मैं आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। जब बच्चों में निराशय दिखाई देता है, निराशा दिखाई देती है, तो गीत गाते हुए कहता है जॉन चाचा कि रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ही सारा जीवन चला जाता है। जीवन जो है वो क्या है, उसमें सुख है दुख है, रात है दिन है, इसी तरह से जीवन कट जाता है। तो एक फिलोसॉफिकल ढंग है बात करने का, एक दार्शनिक ढंग है। एक और दुनिया में किस तरह का जीवन देखते हैं, कई तरह के कॉन्ट्रेडिक्शन होते हैं, कई तरह के हैं, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, उजाला भी होता है। तो कितना बड़ा सफर दुनिया का, एक रोता है एक मुस्कता है, कदम कदम पर कदम कदम रखता राही, इतनी दूर चला आता है एक एक तिनका से। फिर वो उदाहरण देते हैं दूसरों के जीवन से, जैसे पक्षी है, पक्षी एक एक तिनके को इकट्ठा करके अपना घर बनाता है, और इसी तरह से जो है कभी अंधेरा आता है कभी उजाला आता है, और फूल जो खिलते हैं वो एक दिन मुरझा भी जाते हैं। तो इस बात से वो संदेश ये देना चाहता है गीतकार के जीवन में अगर अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, उसके लिए भी तरह के लिए भी हमें डरने की जरूरत नहीं, ये जीवन का स्वभाव है, ये जीवन का स्वभाव है। जैसे आगे एक जगह कहा गया कि खेला बचपन हंसी जवानी, बचपन जो है खेलकूद में गुजर जाता है, जवानी में भी बहुत सारे सुख मिलते हैं, लेकिन बुढ़ापा जो है वो तड़पाता है हमें। तो एक तरह से जीवन के ये अलग अलग चरण है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, है। तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि जीवन का जो पहिया है वो सुख दुख का पहिया है, उसके जीवन की गाड़ी जो है इसमें एक पहिया सुख का है एक पहिया दुख का है। तो इस तरह का संदेश दिया गया है। फिर दूसरा जो अंतरा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहां बच्चे जॉन चाचा को संबोधित कर रहे हैं। अब अभी जो बातें कही गई है वो जॉन चाचा के मुख से कहलाएगी, जो बच्चों को संदेश देती है, जो उनको निराशा में डूबने से रोकती है, जो उनको कहती है कि जीवन के अंदर सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए अगर अभी दुख है तो कभी न कभी सुख भी आएगा, अभी अंधेरा है तो कभी न कभी उजाला भी आएगा, इसलिए बहुत इससे डरना नहीं चाहिए। तो जॉन चाचा तो बच्चे फिर जॉन चाचा को संबोधित करते हैं और कुछ सवाल भी पूछते हैं। जॉन चाचा तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते सब बच्चे, हमें बता दो ऐसा काम कोई नहीं करे बना, हम जीवन में ऐसा क्या काम करें जिससे कि लोग हमारी तरफ उंगली ना उठाएं, हमें बदनाम ना करें। भीख मांगना, वो ये समझ चुके हैं कि भीख मांगना जो है बुरा काम, इसलिए वो नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें बताया जाए कि किस तरह का काम करें। तो एक तरह से ये जो जॉन चाचा है वो मेंटोर है, एक तरह से फिल्म का संदेश वाहक है, उसी के माध्यम से संदेश दिया गया है कि हमें बता दो ऐसा काम कोई नहीं करे बदना। चाचा क्या होती तकदीर, क्यों एक भिखारी चाचा क्यों एक अमीर, दुनिया में सारी मुसीबतें क्यों है, क्योंकि गैर बराबरी है, गैर बराबरी है, इसी कारण से अमीर है इसलिए वो दान देते हैं और गरीब है इसलिए वो दान लेते हैं। अगर अमीरी और गरीबी ना हो, यानी कि सभी लोग बराबर हों, बराबर का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बराबर हो, बराबरी का मतलब है कि कम से कम भीख मांगने वाले ना हो, कम से कम इतने अमीर ना हो जिसके कारण दूसरे लोग गरीब हों। जितेंद्र कुमार जो हिंदी के एक बड़े राइटर हैं, उन्होंने अपने एक निबंध में लिखा था कि मेरे जेब में पैसा आता है जो मेरी जरूरत से ज्यादा का है तो वो दूसरों की जेब से आया, यानी कि जो पैसा जितने की मुझे जरूरत है उससे ज्यादा पैसा अगर आता है तो हमेशा दूसरों की जेब से आता है, यानी कि दूसरे की जरूरतों को ही हम छीन रहे होते हैं। तो आगे वो कहते हैं
क्यों एक भिखारी चाचा, क्यों एक अमीर चाचा, हमको काम नहीं। फिर दूसरा सवाल करते हैं बच्चों, बच्चे, चाचा हमको काम नहीं, क्यों काम नहीं, भीख मांग कर जीने में कुछ नाम नहीं। बच्चों में ये समझ आ चुकी है कि भीख मांग कर जीने में कोई नाम नहीं है, उसमें किसी तरह की गर्व की भावना नहीं, भीख मांग कर जीने में कुछ काम नहीं। तो अब जॉन चाचा वापस जवाब देते हैं, जो आप बात कह रहे थे वही, बढ़ता चल लाखों में तू एक है प्यारे, बढ़ता चल। तो वो संदेश देते हैं कि एक तो यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे जीवन में आगे बढ़ना है, जो पीछे छूट गया है वो छूट गया, तू रुकना नहीं, तू झुकना नहीं, तू बढ़ता चल। ये एक ये जो अंतरा है ये मार्च पास्ट की तरह है, मतलब जैसे परेड की जाती है उसकी जो धुन होती है उस धुन में इसका गीत का ये अंतरा है। घबरा नहीं, घबराना नहीं, तेरी है जमी तू बढ़ता चल, ये दुनिया तेरी है इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तारों के हाथ पकड़ता चल, तारों के हाथ का मतलब है कि ऊंची आकांक्षाएं रखना, स्वप्न देखना और स्वप्न देख कर आगे बढ़ना। तो तारों के हाथ पकड़ता चल, ये रात गई वो सुबह नहीं, दूसरी तरफ दिखता कि ये रात जो है ये डल जाएगी और एक दिन एक नई सुबह होगी, और ये जो नई सुबह होगी ये एक नया संदेश देगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस गीत के माध्यम से एक नया संदेश बच्चों को दिया गया है कि नंबर एक, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, और अगर ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जैसे भीख मांगना वगैरह तो वो अंतिम सत्य नहीं है, उसे बदला जा सकता है मेहनत के द्वारा, और मेहनत करने के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता। ऊंट पालिश करना भी जो वो भी कोई छोटा काम नहीं है, कम से कम उसमें सम्मान है, सम्मान इस अर्थ में है कि वो मेहनत से किया हुआ काम है, उसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? हाँ पूछो भाई, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। मेरा नाम विशाल है, मैं कक्षा आठ में पढ़ता हूँ। हाँ, जब वो अपन नेता आए थे तो जो जोन चाहता थे उन्होंने कहते हैं कि यहाँ इन्हों को पैसे मत दो, काम दो, तो वो जो नेता थे इस बात से सहमत नहीं थे। तो जो जोन चाहते थे वो है ना लाखों गरीबों लोगों की है ना जो काम करने मतलब रोजगार में सहायक कर रहे थे। थोड़ा कोई रिपीट कर दे, मैं समझ में नहीं आई बात क्या, ठीक ठीक क्या पूछना? जो नेता आए थे वहां पर तो है ना गरीबों को पैसे बांट रहे थे। हाँ हाँ, नेता नहीं थे, जो जो चाहते थे जो चाहते थे उन लोगों को कह रहे थे कि है ना पैसे मत बांटो और इनको काम दो, काम दो। ठीक है, समझ गया मैं। देखिए इसके पीछे एक पूरी समझदारी काम कर रही होती है। जॉन चाचा कहते हैं कि तुम इनको पैसा मत दो, यानी कि दान मत दो या भीख मत दो, काम दो। काम काम देना जो है तब दान कैसे होगा? अगर काम दे देंगे तो दान कैसे होगा? दान नहीं होगा तो पुण्य कैसे मिलेगा? काम से तो पुण्य नहीं मिलता, शास्त्रों में या धार्मिक ग्रंथों में ये तो नहीं लिखा है कि तुम आप 10 लोगों को काम दिलाओगे या 10 लोगों को काम दोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। नहीं, पुण्य मिलेगा दान देने से, ठीक है ना। पूरी वर्ण व्यवस्था इसी तरह की बनी हुई है, हमारा समाज का ढांचा इस तरह का बना हुआ है, जबकि जरूरत होती है लोगों को काम करने की। काम मिले ये बहुत जरूरी है, लेकिन काम के साथ में दिक्कत यह है कि हमारे समाज के ही बहुत सारे हिस्से में ये बैठा दिया गया है कि भीख मांगना ही हमारा काम है, भीख मांगना, और इसलिए वो हाथ फैलाते हैं और उसे बुरा नहीं मानते। और इसलिए जॉन चाचा एक तरह से ये संदेश देता है
कि नहीं हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए, हमें काम मांगना चाहिए, काम मांगना चाहिए। और ये जो बच्चे हैं ये काम मांगते हैं, ये चाहते हैं कि उन्हें काम दिया जाए, लेकिन काम आसानी से नहीं मिलता। काम एक ऐसी व्यवस्था में ही मिल सकता है जो व्यवस्था इस बात पर विचार करे कि जो भी बेरोजगार है उन सबको कैसे काम मिले। ये एक बेहतर व्यवस्था के द्वारा ही सब होता है। और वो काम कैसे मिलेगा? काम ऐसे मिलेगा कि काम जहाँ मिलता है, जैसे कृषि में काम मिलता है, कारखानों में काम मिलता है, स्कूलों में पढ़ाने से काम मिलता है, बहुत तरह के काम होते हैं। जितना समाज विकसित होता है उतने ही काम काम की जरूरत होती है, मेहनत करने वालों की जरूरत होती है। उसके लिए केवल मेहनत करने वालों की नहीं, इंजीनियर की जरूरत होती है, डॉक्टर की जरूरत होती है, कई तरह के कौशल जो होते हैं, स्किल्स होते हैं, उस स्किल्स में प्रवीण लोगों की जरूरत होती है। और वो जरूरत जब होती है तो उसके अनुसार उनका प्रशिक्षण देने के लिए कॉलेजों की जरूरत होती है, इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है, ये सब होता है। ये तब ही हो सकता है जब सरकारें इस पर विचार करें कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। ज्यादा से ज्यादा काम कब मिलेगा? जब हमारे यहाँ उत्पादन होगा चीजों का, मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो निश्चित रूप से उन्हें जो चीजें उत्पादित होती है उसके लिए भी काम करने वालों की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम चीजें बाहर से मंगा लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ आजकल चीन से बहुत सामान आता है, अब चीन से सामान आ रहा है बना बनाया, तो हमें बनाने वाले की कहाँ जरूरत है, हमें तो सिर्फ वितरण करने वालों की जरूरत है। और वितरण करने वालों की जरूरत है तो काम हर एक को तो नहीं मिलेगा, कम लोगों को मिलेगा, तो उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। शुरुआती हमारे देश जब आज तो शुरू के 30-40 साल में सरकारों ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि कारखाने खोले जाए, ज्यादा से ज्यादा कारखाने, इस्पात के कारखाने खोले गए, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए, ठीक है। और खेती के लिए भी कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा जो भूमिहीन किसान है उनके पास भी जमीन हो, ताकि वो उस जमीन पर खेती कर सके और इस तरह से अपना जीवन यापन कर सके। तो इसलिए काम जो है वो बहुत जरूरी। आप सोचिए अगर काम सम्मानजनक नहीं होता तो हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, हम जो स्कूल में पढ़ाते हैं, हम हमारे में से जो लोग कारखानों में काम करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करें, मजदूर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, वो किस लिए करते हैं? हमने तो भीख मांगना नहीं चुना, हमने तो काम करना चुना। तो काम करना, और खुद हम सोचें कि जो हमारी तरफ हाथ बढ़ाता है भीख के लिए, उसके प्रति हमारे मन में क्या भावना आती है, क्या हम चाहेंगे कि वो भावना हमारे प्रति भी हो? तो इसलिए भीख मांगना गलत है। और ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, और हमेशा ये हमारे जो महान नेता रहे हैं, महान लोग रहे हैं, उन्होंने भी हमेशा यही संदेश दिया है कि श्रम ही सबसे बड़ा मूल्य है, लेबर जो है मेहनत है। मेहनत कैसा भी हो, इंजीनियर के रूप में भी हम काम करते हैं, डॉक्टर के रूप में भी हम काम करते हैं, और अध्यापक के रूप में भी हम काम करते हैं, पढ़ाना भी काम है। बोलो क्या सवाल है? सिक्स में पढ़ती हूँ, मेरा एक सवाल है कि जो चाची थी वो दोनों बच्चों की अपनी थी, दी थी और क्यों उनको क्यों मारती थी? वो चाची थी, उसके उसका खुद का जीवन, देखिए वो चाची जो थी वो बच्चों को मारती थी, ये सही है, लेकिन सही है कि वो खुद बहुत पीड़ित महिला थी, उसका जीवन कोई सुखी जीवन नहीं था। उसका वो शुरुआत में ही बताती है कि जब मेरा पति मरा था तब इन बच्चों के पिता ने मुझे शरण नहीं दी। तो एक मन में इस बात का दुख था कि अगर आज मुझे जिस तरह की गली जिंदगी, जिस तरह की अपमानजनक जिंदगी जीनी पड़ रही है उस चाची को, वो भी तो झुग्गी बस्ती में रहती है ना, हैं? तो इसलिए बहुत अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है उसे। तो इसलिए उसके मन में कहीं ना कहीं ये मतलब जो उसके साथ हुआ उसका बदला वो कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति भी ले। दूसरी चीज जो फिल्म में कही नहीं गई है,
लेकिन मेरे ख्याल महत्वपूर्ण है वो यह है कि उस खुद के बच्चे नहीं है, वो अकेली औरत है, विधवा है, अकेली औरत है, आय का कोई साधन नहीं है, कोई काम उसके पास नहीं है, इसलिए और अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि कोई काम करती भी नहीं है वो, ठीक है, तो उसे लगता है कि ये बच्चे जो हैं इनसे अगर मैं भीख मंगाऊंगी तो मेरा भी गुजारा चलेगा, उनका भी गुजारा चलेगी, उसके मन में ये समझ नहीं है उसके मन में कि भीख मांगना अच्छा नहीं है, उसके पास विकल्प था, वो भी काम कर सकती थी, कई तरह के काम होते हैं, ठीक है, सम्मानजनक काम भी होते हैं जो वो नहीं करती, और उन बच्चों को भी वो कुछ बेहतर जीवन दे सकती थी, लेकिन वो नहीं देती क्योंकि उसके मन में एक तरह का गुस्सा है, एक क्रोध है, और वो क्रोध है अपनी जीवन स्थितियों को लेकर जिस पर उसका कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो अपना बदला जो है बच्चों से लेती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बड़े चाहे माता पिता हो या कोई भी हो जो बच्चों को पीड़ते हैं वो बच्चों के कारण बच्चों को नहीं पीड़ते, वो अपने कारण बच्चों को पीड़ते हैं, यानी कि उनका अपना गुस्सा जो होता है वो बच्चों पर निकलता है, अपना गुस्सा, अपनी भड़ास, अपना असंतोष जीवन का, अपनी कुंठा, कुंठा का मतलब है कि कुछ ऐसा है जो उनके जीवन में सफल नहीं हुआ है, अधूरा रहा, तो वो कि क्या करे, वो इस सिस्टम से तो लड़ नहीं सकते, तो बच्चे ही दिखते हैं तो बच्चे को पीट देते हैं और ये समझते हैं कि पीट कर हम उनसे वो काम करा लेंगे जो वो करवाना चाहते हैं, जैसे कि इन दोनों बच्चों से भीख मंगवाना चाहती है तो भीख, और उसके ये भी गलत फहमी है उसके मन में कि भीख से ज्यादा पैसा मिलता है, हो सकता है मिलता हो, और इसलिए वो बार बार जब उसे मालूम पड़ता है कि ये बच्चे अब बूट पॉलिश करने लगे हैं तो भी वो पीटती है, क्यों पीटती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि बूट पॉलिश करने से ज्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन मुमकिन है कि बूट पॉलिश से ज्यादा पैसा मिलता हो, तो इसलिए उसकी अपनी धारणाएं बनी हुई है, उसकी अपनी जिंदगी के दुख है, अपनी पीड़ाएं है, और इसलिए वो और बच्चों को पीटती है, अपना गुस्सा, अपनी जिंदगी का जो गुस्सा है उन बच्चों पर गुजार है, उसके प्रति मोह नहीं है उसके मन में, मोह इसलिए नहीं है क्योंकि इन बच्चों के माता पिता ने उसकी कभी मदद नहीं की थी, हालांकि वो चाची है उसकी, ठीक है सर। दोनों बच्चों के सवाल ले लेते हैं और फिर आप एक साथ रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, है ना। प्रश्न, हाँ। तो मेरा नाम मनीषा है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि हम सभी जानते हैं कि जो कभी आपदा आती है तो सरकार उन्हें मुआवजा देती है, परंतु इस मूवी में ऐसा क्यों दिखाया गया है कि किसी आपदा आने पर सरकार ने उनकी किसी प्रकार मदद नहीं की, जैसे योगिता, दूसरा सवाल पूछो। मेरा नाम योगी सर, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि फिल्म के आखिरी में जो बोला था उसने अपनी बहन को देख के भी नजरअंदाज क्यों कर दिया, किसको देखकर नजरअंदाज कर दिया, अपनी बहन को, वापस दोहराओ। मेरा प्रश्न ये है कि जो फिल्म के आखिरी में जो इनको देखकर भी नजरअंदाज क्यों कर दिया, किसने, वो नहीं सुनाई दे रहा है मुझे, बोला कोई रिपीट कर दो, बोला ने बेलू को देखकर नजरअंदाज क्यों कर दिया, अंदाज क्यों कर दिया जी। हाँ ठीक है, और कोई सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम कुलदीप है और मैं भी चाह रहा हूँ कि एक सवाल, मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा है फिल्मों को लेकर के, और मेरा सवाल ये है सर कि फिल्में जो होती है वो समाज का आईना होती है ना,
और काफी सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका जो थोड़ा जिक्र जो है वो किताबों में किया गया है, जैसे आप बूट पॉलिश के एक एक बच्चा जो है वो पॉलिश करते हुए, अमिताभ बच्चन की एक मूवी है जिसका सीन है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, उसका एक फोटो है जिसपे हम क्लास में बातचीत करते हैं। तो निश्चित ही आपने एक जो बात बताई कि अगर मेहनत से पैसा कमाया गया है तो वो खुददारी देता है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है उस क्लिप में जो है। एक समीक्षक के रूप में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले हर एक मूवी या ज्यादातर मूवी जैसी होती थी जो कोई ना कोई समाज को मैसेज देती थी, आपने वो दौर देखा है, और अभी वर्तमान में जो मूवीज आई है वो ऐसी है कि मनोरंजन को ज्यादा फोकस करती है बजाय इसके कि उसमें कोई मैसेज हो, तो एक फिल्म समीक्षक के रूप में आपको किस तरीके की चुनौती उस दौरान होती है कि इन फिल्मों में मैं क्या लोगों को बताऊं कि इसमें कौन सी चीज अच्छी है? अभी के दौर की फिल्मों के बारे में जवेरी साहब, दौर की फिल्म। हाँ जी जवेरी साहब, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ प्रकाश जैन बोल रहा हूँ, एक प्रश्न मेरा भी ले लीजिए। बच्चों में इस फिल्म के माध्यम से ये मैसेज अच्छी तरह पहुंच गया कि भीख मांगना गलत है और श्रम द्वारा ही कमाई की जानी चाहिए, उससे अपना जीविकोपार्जन करना चाहिए। पर इस बात को समझने के बाद दिक्कत ये आती है कि जब ये बच्चे कमाने लायक होंगे तो ये जो काम मांगेंगे तो काम कौन देगा? प्रश्न आज सबसे बड़ा जो है ना वो, और कई बड़े प्रश्नों में एक प्रश्न बेरोजगारी का भी है। तो पढ़े लिखे युवकों की फौज हम तैयार करते थे, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, दूसरे भी हैं, सब हैं। तो मैसेज तो दे दिया कि भाई, और वो समझ भी गए भीख भी नहीं मांगेंगे और काम मांगेंगे। काम तो सरकार या तो वेलफेयर स्टेट अगर गवर्नमेंट है तो वो दे, और लगता नहीं है वर्तमान हालात में वेलफेयर का काम सरकार जो है ले रही है, क्योंकि वो तो कह ही रही है कि भाई सरकारों का काम नौकरी देना नहीं है। तो फिर इनके सामने समस्या यही आएगी ना कि भाई काम तो करना चाहते, काम तो दे समाज दे, अगर सरकार न दे तो जैसे आपने चाइना का उदाहरण दिया कि भाई वहां से उत्पादित माल आ रहा है और नहीं हो रहा है, अगर यहाँ उत्पादन हो सकता है थोड़ी बेरोजगारी कम हो। मैं इस बात का समर्थन करते हुए आपको, क्योंकि फिल्मों में बात हो रही है, तो नया दौर आई फिल्म थी दिलीप कुमार की, उसमें मशीनीकरण का विरोध किया था और हाथ से काम करने पर जोर दिया था। तो क्या वो महात्मा गांधी की फिलोसॉफी की तरफ जाना चाहिए कि थोड़ा भले ही महंगा पड़े चाइना के तुलना में, पर चाइना का मांग न मांगा कर और यहाँ का माल उत्पादन करके यहीं बाजार में सप्लाई करें, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो मेरा प्रश्न यह है कि ये जो बेरोजगारी है आज के नवज्योति भास्कर में इसका जबरदस्त उल्लेख आया है, जबरदस्त बेरोजगारी है, और बेरोजगारी इस सीमा, मतलब अगर इसको नहीं रोका गया तो हो सकता है कुछ आगे आने वाले समय में हम सोशल अनरेस्ट देखें। तो कहने का मतलब है कि या तो ये फिल्में इस तरह की बने जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संदेश देवे। हम तो खुशकिस्मत है कि उस दौर में ऐसे फिल्में बनी जिन्होंने जैसे सामंतशाही का विरोध किया, कई फिल्में बनी सामंतशाही का, डाकुओं का विरोध किया, डाकुओं पर बहुत फिल्में बनी, पहले डकैतियां बहुत होती थी। तो समाज को सुधारने के बहुत सारे फिल्में अच्छी बनी और वो मैसेज भी गया और हमने अच्छा समय भी देखा। पर जैसे इस समय जो है ना बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमता के साथ साथ सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता को जैसे बटेंगे तो कटेंगे, तो इनको रोकने के लिए मतलब ये माध्यम आगे क्यों नहीं आ रहा, या क्या इसका क्या उपाय है फिर? ये आप थोड़ा मेरे प्रश्न को शामिल कर लें। अब मैं समझता हूँ कि जो समय बचा है उसमें ये जो सब सवाल हैं
जो इस फिल्म से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं और हमारे समय के सवाल भी हैं। बेरोजगारी के सवाल सबसे पहले लेते हैं, बेरोजगारी का सवाल, क्योंकि ये इस फिल्म का अगला प्रश्न यही है और संभवतः राज कपूर के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि हम ये कहें कि अनाथ बच्चों को सहारा मिले और ठीक न मांगे और मेहनत करें। बेरोजगारी का सवाल उस समय भी था और इसलिए आप देखेंगे कि इसके बाद एक फिल्म बनाई थी राज कपूर ने, श्री 420, और उसमें बेरोजगारी का ही सवाल था, उसमें बेरोजगारी का सवाल था। वो युवक जो ग्रेजुएट है वो शहर आता है रोजगार के लिए, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता और इसलिए उसे भटकना पड़ता। रोजगार का सवाल तब भी था, रोजगार का सवाल अब भी है। और अब कम से कम उस समय की सरकारें इतनी शर्म, मतलब कितना इस तरह की बातें तो नहीं कहती थी कि सरकारें जो है उनका काम नहीं है रोजगार देना। मुझे ध्यान है हमारे एक मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली जी, उन्होंने कहा कि सरकार का काम डबल रोटी बनाना थोड़ी है, तो वो डबल रोटी का कारखाना फिर उन्होंने बेच दिया। तो सरकार का क्या काम है, सवाल यह है। मेरा अपना विचार है कि हमारा तरह का संविधान है, उस संविधान में सरकार का के अन्य कई सारे महत्वपूर्ण कामों में से एक काम है रोजगार की गारंटी। हमारे संविधान में सब कुछ अच्छा है लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं। रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। रोजगार की गारंटी होगी तो जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार मिलेगा और सरकारों को सोचना पड़ेगा कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। अभी स्थिति यह है कि पिछले लगभग 50 साल से जितनी, मतलब जो बेरोजगारी 50 साल पहले थी उससे कई गुना ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो क्या है, क्या दे रहे हैं उनको, कुछ पैसा उनके अकाउंट में डाला जा रहा है, 1500 रुपये, 3000 रुपये है। तो ये जो है यानी कि लोगों को दूसरों का आश्रित, सरकार का आश्रित भी बनाना, सरकार का रोजगार देना और सरकार का आश्रित बनाना दो अलग अलग चीज है। इसलिए रोजगार देना बहुत जरूरी है। रोजगार कैसे होगा, रोजगार तब आएगा जब सरकार बराबर ये सोचे कि हमारी आबादी कितनी है और उस आबादी में काम करने वाले कितने हैं, कितने डॉक्टरों की जरूरत है, कितने इंजीनियर की जरूरत है, कितने और तरह के काम करने वालों की जरूरत है और उनको रोजगार कैसे मिल सकता है, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिल सकता है। और केवल वही चीजें हम विदेशों से मंगाएं जिनका उत्पादन हम नहीं कर सकते, अभी फिलहाल नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि शुरू के जो 30-40 साल थे उस 30-40 साल में बहुत सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के कारखाने खुले गए जगह जगह, नेहरू के समय में भी और इंदिरा गांधी के समय में भी, कमियां उनके समय में भी थी। लेकिन अब पिछले 25-30 साल से एक तरह से ये हो रहा है और खास तौर पर पिछले 1.5 दशक से कि नए कारखाने खुलने बंद हो गए, बल्कि कारखाने जो खुले हुए थे वो भी बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए या उन्हें दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। तो रोजगार की गारंटी बहुत जरूरी है। कोई सरकार कुछ नहीं देती जब तक कि जनता उस पर दबाव नहीं डालती, उसके लिए प्रेरित नहीं करती। सरकारें बजाय लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारों ने हिंदू मुसलमान जाति धर्म इन सब के नाम पर आपस में लड़ाने और भिड़ाने में लगी हुई है। इससे रोजगार नहीं पैदा होगा और रोजगार नहीं पैदा होगा तो जैन साहब आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक दिन ये ज्वालामुखी फटेगा और फटेगा वो दिन बहुत भयानक होगा क्योंकि उसकी कीमत सबसे ज्यादा युवकों और बच्चों को चुकानी पड़ेगी। हम लोग तो अपना जीवन काफी हद तक जी चुके हैं लेकिन जो युवा है वो युवा, उनको अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी।
तो मैं समझता हूँ कि रोजगार की गारंटी हमारे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, जैसे शिक्षा की गारंटी शामिल की गई। ये और बात है कि शिक्षा की गारंटी शामिल करने के बावजूद स्कूल और कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट खुल रहे हैं। और प्राइवेट में तो आप समझिए कि 100 प्राइवेट स्कूल खुलेंगे तो उसमें से 10 कायदे के होंगे, 90 तो दुकानें होंगी। तो इसलिए अब जैसे आपकी स्कूल है तो आप इसकी स्कूल एक महत्वपूर्ण काम कर रही है, लेकिन कितने स्कूल हैं जो इस तरह के काम करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रोजगार का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिल्में रोजगार के सवाल को ज्यादा नहीं उठाती है। आजकल जो फिल्में बन रही है वो मनोरंजन प्रेरित ज्यादा है, जो हमारे सामाजिक सवाल हैं उन सामाजिक सवालों पर उतना जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देती। हालांकि कभी कभी अपवाद रूप में ही सही, लेकिन कभी कभी इस तरह की फिल्में भी बनती है, ये सही है। जो फिल्में 50-60 के दशक में बनी उस समय एक तरह का कहना चाहिए कि लोगों के अंदर था कि हमें अपने देश का नव निर्माण करना है। नव निर्माण करना है इसलिए हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने फिल्में बनाई। कई फिल्में जो देखे हैं आप, राज कपूर की फिल्म में मैंने जैसे बताया कि ये फिल्म जो है बच्चों को लेकर बनाई कि अनाथ बच्चों का क्या होना चाहिए, और एक हल भी उन्होंने दिया। एक फिल्म और बनाई थी उन्होंने अब दिल्ली दूर नहीं में हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसकी कमजोरियों को सामने रखा और कहा कि किस तरह से अगर गरीब है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। उस फिल्म का जो बच्चा है उसके पिता को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो गरीब है, और जो गवाही दी जाती है उसको अंतिम मान लिया जाता है। सी 420 में बेरोजगारी का सवाल उठाया गया, जिस देश में गंगा बहती है में डाकों का सवाल उठाया गया। इसी तरह से वी शांताराम थे, बिमल रॉय थे, इन सब लोगों ने किसी न किसी मुद्दे को, उस समय की जो चुनौतियां, 2 बीघा जमीन बनाई गई, उद्योगीकरण को लेकर, नया दौर का जिक्र आपने किया, संदेश यह है उस जमाने का कि हम अपने समय की चुनौतियों को समझे। अब नया दौर जो आपका उल्लेख किया उसी को देखें, नया दौर का संदेश यह नहीं है कि जो हमारे सामने, मतलब इस नया दौर और बिमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन को अगर देखें तो उनका संदेश यह नहीं है कि हम उद्योगीकरण ना कराएं या नई तकनीक को ना अपनाएं, लेकिन जब हम उनको लाएं, उनको अपनाएं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो पुरानी तकनीक पर निर्भर हैं उनके उनके सामने की चुनौतियां नहीं आनी चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, और नया दौर उस बीच के रास्ते को बताती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब सवाल थे, उस सवालों के प्रति उस समय के लोग गंभीर थे, फिल्मकार भी गंभीर थे, वो देश के सामने जो चुनौतियां थी उन्हें उसमें से कहानियां नजर आती थी। आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसको छूते हुए फिल्मकार डरते हैं कि अगर हम फिल्म बनाएंगे तो हो सकता है कि हंगामा हो जाए, और इसलिए ऐसी फिल्में बन रही है जो सरकार का प्रोपेगंडा करती है, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली है, वो भयानक है। और इसलिए इस समय मैं समझता हूँ कि जागृति, नया दौर, 2 बीघा जमीन, बूट पॉलिश, इस तरह की फिल्मों की को वापस देखा जाए, बच्चों को दिखाया जाए और उनको बताया जाए कि एक समय ऐसा भी था जब हमारे फिल्मकार इस केवल हल्के फुल्के मनोरंजन की या गलत संदेश देने वाली फिल्में नहीं बनाते थे। एनिमल जैसी फिल्म जो अब बन रही है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किसी समय ये फिल्म बनेगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम उन पुरानी फिल्मों के माध्यम से ही यह बताएं कि जब देश आजाद हुआ तब किस तरह की फिल्में बन रही थी और उनके द्वारा क्या संदेश दिया गया, और वो संदेश अब फिर दोहराने की जरूरत है आज के हालात को, आज की समस्याओं और आज की चुनौतियों को देख। धन्यवाद सबका, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा।
बहुत अच्छा, बच्चों ने बहुत 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 अच्छे प्रश्न किए, बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और ये हमारे एक शिक्षा का एक हिस्सा है और जितने क्वेश्चन आप करेंगे, जितनी जिज्ञासा आप करेंगे और निरंतर हमारा मकसद है कि आप में क्वेश्चन के प्रति जागरूकता पैदा करना, आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनाना। और जवरीमल जी ने हमारे इस प्रोजेक्ट में बहुत बहुत सहयोग किया, मैं हृदय से आभारी हूँ। और स्कूल के स्टाफ का, दशरथ जी का और अन्य सब साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर हम मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता साहब और जवरी साहब दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही शिक्षाप्रद और बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर बने, कैसे उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आप जो कार्यक्रम रखा और जो प्रस्तुति दी उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा धन्यवाद।